भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्टाइल में उतना शतक पूरा किया ही किया, साथ ही साथ इस शतक के बदौलत लगभग जीत की दहलीज पर पहुंच गई है टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से 2-0 से वनडे श्रृंखला जीतने के लिए। दरअसल भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी चिन्नास्वामी के मैदान पर, ये दूसरा मुकाबला था साउथ अफ्रीकन विमेंस टीम के साथ जिनके साथ 3 वनडे भारतीय महिला टीम को खेलने हैं, इकलौता टेस्ट मैच एक खेलना है, इसके बाद 3 T20 भी खेलने हैं, तो वहां पर हरमनप्रीत कौर का शतक आना कहीं ना कहीं भारतीय टीम के मनोबल को बढ़ाता है। स्टाइल में हरमनप्रीत कौर ने शतक को पूरा किया, हालांकि वो अग्रेसिव बल्लेबाजी करती हैं। अगर हरमनप्रीत कौर के स्कोर की बात की जाए तो उन्होंने 103 रन बनाए 88 गेंदों में, 9 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन आखिरी ओवर में चौका छक्का और चौका लगाकर अपने शतक तक पहुंची है हरमनप्रीत कौर। और मंधाना के साथ इन्होंने शानदार साझेदारी की, स्मृति मंधाना ने भी शतक जड़ा, हरमनप्रीत कौर ने भी शतक जड़ा और दोनों ने मिलकर पूरी तरह से साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, जिसके बदौलत ये जो श्रृंखला है ये भारतीय टीम के नाम हो पाई है। क्या अब यहाँ से ये दबदबा जो है, ये डोमिनेशन जो है टीम इंडिया विमेंस टीम का जारी रहेगा या नहीं, हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।